भगवान राम के भक्तों के लिए एक बार फिर भारतीय रेलवे श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इस विशेष सेवा ट्रेन की शुरुआत 18 नवंबर को होने जा रही है। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु भगवान राम के जीवन से जुड़े अधिकांश स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थलों में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी नंदीग्राम में भारत मंदिर, बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर, वाराणसी का तुलसी मानस मंदिर और संकटमोचन मंदिर, यूपी के सीतामढ़ी का सीता समाहित स्थल, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि आश्रम, चित्रकूट में रामघाट और अति अनसुनीय मंदिर, नासिक में पंचवटी, हम्पी में अंजनाद्री हिल्स, हनुमान जन्म स्थल और रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर है। 15 दिनी यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग यात्रा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए इंदौर से शुरुआत के बाद रास्ते के 12 स्टेशनों से यात्रियों को लेते हुए ट्रेन आगे बढ़ेगी। इंदौर के बाद यात्री देवास, उज्जैन, मक्सी, सुजालपुर, सिरोह, बैरागढ़, भोपाल, गंज, बसौदा, बीना, ललितपुर और झांसी से इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। गौरतलब है कि रेलवे ने पिछले वर्ष भी रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया था, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद रेलवे को मिला था। ट्रेन रामायण अयोध्या का फैसला आने वाला हो चलाई जा रही है, क्या मतलब उसी के साथ चलाई जा रही है? देखिएगा, भारतीय रेलवे का एक सिस्टर कंसर्न है IRCTC। IRCTC के द्वारा एक रामायण स्पेशल ट्रेन रवाना की जा रही है, जिसमें कि पैकेज है 14,000 समथिंग का पैकेज है ये, और ये 14 रात और 15 दिन का इसका सफ़र रहेगा। ये अयोध्या तक जाएगी और इसके बाद रामेश्वरम तक जाएगी। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, और जो भी इसका फ़ायदा लेना चाहता है या घूमना चाहता है तो इस ये ट्रेन उनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये इसका जो बुकिंग है इंदौर स्टेशन पर IRCTC ऑफिस है, वहाँ पे किया जा रहा है, और ये नवंबर में चलेगी और दिसंबर तक, करीब 15 दिन का है इसका सफ़र, तो पूरा करके और दिसंबर में लौटेगी।